नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सेठ बीडी बाजोरिया हॉस्पिटल सहारनपुर में एक युवक नीरज पुत्र श्री मनीराम निवासी वेट मोहल्ला खालसा, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, आज सुबह 6 बजे इसने अपने ही घर में अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दी है। और परिवार से बात करने पर यह पता चला है कि उन्हीं के गांव के गुलाब सिंह पुत्र सुखबीर सिंह और उनके दामाद के साथ बहस हुई थी। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, जिस कारण युवक ने डिप्रेशन में आकर अपने ही घर में आत्महत्या की है। परिवार में काफ़ी दुखद घटना हुई है, एक जवान मौत हुई है और ये डॉक्टरों से अनुरोध कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जल्दी किया जाए ताकि अंतिम संस्कार जल्दी हो सके। परविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। मैं हूं परविंदर सिंह, आज हमें नजर भर देखो न्यूज़ से सहारनपुर से। आज हम आए हैं सेठ बीडी बाजोरिया जिला अस्पताल सहारनपुर में। यहां पर एक मामला आया है जिसमें युवक की बॉडी लाई गई है, जिसमें युवक का नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है और ये निवासी भेट का है। आइए हमारे साथ परिवार में इनके पिताजी हैं, उनसे हम वार्ता करते हैं। इनके पिताजी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मनीराम है। इनका नाम मनीराम है और आप निवासी ये भेट के रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि किन कारणों से आपके जो पुत्र हैं इनका, मतलब कि इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया? इसके गुलाब सिंह के और गुलाब सिंह के दामाद के साथ में कल से अड्डे पर बहस हुई थी मेरे लड़के की। मुझे तो इसमें गुलाब सिंह और गुलाब सिंह के लड़के का हाथ दिख रहा, उन्होंने इसे मारने की धमकी दी। तो इन्होंने बताया जैसे कि इनका पहले कुछ गुलाब सिंह और उनके दामाद, उनसे बहस हुई थी, तो अब उसके मामले में इन्हें लग रहा है कि उन्होंने ही कुछ साजिश करके या उनकी दबाव में आकर, डिप्रेशन में आकर इसने आत्महत्या की है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे उन्होंने, मतलब कि किस तरह से क्या बहस हुई थी? कल से अड्डे पर मुझे पता नहीं क्या बहस हुई थी, लेकिन वो हमारे घर पर भी आए थे, कह रहे थे तुम्हारे लड़के को गोली मार देंगे हम, परसों धमकी दी उन्होंने, आज उफान कर। तो आपको इन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और इसलिए ये अंडर प्रेशर आकर, डिप्रेशन में आकर इसने अपने ही घर में अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो जैसा कि इन्होंने बताया है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने, मतलब कि आगे पुलिस में क्या कार्रवाई के लिए क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? अभी रिपोर्ट दर्ज करवाई नहीं है, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे इनकी क्या मांग है। इन्होंने जैसे इन्होंने बॉडी यहाँ पर जिला अस्पताल में लाई गई है, तो आगे इनकी डॉक्टर से या इनसे क्या मांग है आगे? इसका पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए, सही रिपोर्ट का पता लग जाए। जताया कि इन्होंने ये पोस्टमार्टम की मांग जल्दी कर रहे हैं ताकि इनका ये अंतिम संस्कार कर सकें। तो परिवार में काफ़ी दुखद घटना हुई है और ये पूरा परिवार दुख के सागर में डूबा हुआ है। मैं परमिंदर सिंह, नजरबाद देखो न्यूज़ सहारनपुर से।